हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैडी। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल की 5 शॉर्टकट की पार्ट 6। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉमन स्टाइल, एंड दोस्तों दूसरा रहेगा हमारा रो हाइड एंड अनहाइड, तीसरा होगा हमारा कॉलम हाइड एंड अनहाइड, चौथा होगा हमारा प्रोटेक्ट सीट, एंड लास्ट होगा दोस्तों हमारा फॉर्मूला बार हाइड एंड अनहाइड। दोस्तों हम पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमा स्टाइल। दोस्तों कॉमा स्टाइल क्या होता है? अगर दोस्तों मुझे यहाँ पे 1000 लिखना है, बट 1000 जो लिखना है वो कॉमा करके लिखना है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इसको एंड प्रेस करूंगा Alt H प्लस K। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Alt प्लस H K। दोस्तों मेरा जो यहाँ पे कॉमा, देखें यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है, दोस्तों इसको आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1001.30.00। दोस्तों इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ, इसे हम कहते हैं डेसिमल। दोस्तों डेसिमल को मैं हाइड कर लेता हूँ। अभी जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आई है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 में। दोस्तों कॉमा लगने के बाद 1.30, 5.30, 10.30, दोस्तों ये हमारी सीक्वेंस होती है कॉमा की। आई होप सो दोस्तों आपको कॉमा समझ में आएगा कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद शॉर्टकट की Alt प्लस H प्लस K। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रो, कैसे हम हाइड कर सकते हैं एंड अनहाइड कर सकते हैं थ्रू की, जो हमारी की है Alt प्लस H प्लस O प्लस U प्लस R के लिए। अगर हम रो हाइड करेंगे तो R एंड उसे अनहाइड करेंगे तो O। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको हाइड, इस वाले रो को हाइड करता हूँ। उसके लिए मैं प्रेस करूँगा Alt H O U एंड R। दोस्तों मैं देखूँगा जो मेरा येलो कलर की लाइन थी वो अभी यहाँ से हाइड हो चुकी है। दोस्तों अगर इसे मुझे वापस लानी है, अनहाइड करना है, तो मैं प्रेस करूँगा Alt H O U एंड O। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे जो रो थी वो यहाँ पे वापस आ चुकी है, अनहाइड हो चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा कॉलम हाइड एंड अनहाइड करना। दोस्तों यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ किस वाले कॉलम को, एंड दोस्तों मुझे कॉलम अगर हाइड करना है तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा Alt H O U एंड C। तो दोस्तों जो मेरा कॉलम है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है, एंड दोस्तों अगर मुझे ये कॉलम अनहाइड करना है तो मैं प्रेस करूंगा Alt H O U एंड L। दोस्तों जो मेरा कॉलम है वो यहाँ पे हाइड अनहाइड हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा प्रोटेक्ट सीट। अगर दोस्तों मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, अगर ये शीट मुझे प्रोटेक्ट करनी है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा Alt R प्लस PS, एंड दोस्तों यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड के लिए आएगा, इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ Alt R प्लस PS। दोस्तों अभी मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए आ गया है मेरी शीट में, तो मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंड ओके। एंड दोस्तों मुझे दोबारा यहाँ पे रिकन्फर्म करना पड़ेगा पासवर्ड, उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ 1, 2 एंड 3 एंड ओके। दोस्तों मेरी जो शीट है अभी यहाँ पे प्रोटेक्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर मैं कुछ भी हाइड करने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों अब मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे Alt R PS, एंड दोस्तों मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा अपना 1, 2, 3। दोस्तों अभी मेरी शीट एडिटेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप सो आपको प्रोटेक्ट सीट भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा फॉर्मूला बार हाइड एंड अनहाइड। दोस्तों फॉर्मूला बार क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे डालते हैं या यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं जो हमें दिखता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। दोस्तों इसको हम हाइड अनहाइड कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt W प्लस VF। दोस्तों हम प्रेस करते हैं Alt W प्लस VF। दोस्तों मैं यहाँ पे देखूंगा जो मेरा फॉर्मूला बार है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है, एंड दोस्तों अगर मुझे ये अनहाइड करना है तो मैं प्रेस करूंगा Alt W VF। तो दोस्तों आई होप सो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार पे दिख गया होगा। तो दोस्तों ये मेरी पांचों आज की टॉपिक थी जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।